नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक और पेंटा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसडीआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। हम अपने स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपको सफलता की 100% गारंटी दे सकते हैं। आप उसे आत्मसात करें और अपनी सफलता को 100% क्लियर करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर भी कर सकें। शेयर करना आपका दायित्व है, लाइक करना आपका दायित्व है, बाकी चीजें हम पे छोड़ दीजिए, है ना। जो भी भाई बहन हमारे 2016 टीजीटी पीजीटी, 2021 टीजीटी पीजीटी से हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, फाइनल हियरिंग हमारी होने चल रही है, याची लिस्ट हमारी तैयार हो रही है और बहुत जल्दी ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रेषित की जाएगी कोर्ट के माध्यम से। जो भी भाई बहन जुड़ना चाहें, अभी वक्त है, मौका है, वो जुड़ सकते हैं। चूंकि 12 तारीख के बाद जो फाइनल हियरिंग होगी, फिर उसके बाद कोई औचित्य नहीं बचेगा। अभी तक जो भी भाई बहन हमारे साथ याचिका में जुड़े हुए हैं उन लोगों को याची लाभ मिलना 100% तय हो चुका है। जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ आपके बातों को, आपके परेशानियों को, आपकी समस्याओं को कोर्ट के सामने रखा गया हमारे वकील महोदय के माध्यम से, मजबूत पैरवी और आपकी विजय सुनिश्चित है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, बताते हैं आपको। कल की डेट में एक सुखद अनुभूति का एहसास हुआ कला विद्यार्थी एलटी ग्रेड 2018 के लिए। कल मंत्री महोदया ने से वार्ता में ये बात स्पष्ट हुई कि मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख जो है कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंधी जो फाइल थी उस पर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ उन्होंने उस फाइल को देखा और नियुक्ति में क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, अगर ये समस्याएं थीं तो आवेदन कैसे किया, अगर आवेदन हो गया तो परीक्षा कैसे दे लिए, अगर परीक्षा भी दे लिए तो उनका परिणाम कैसे जारी हुआ, अगर परिणाम भी जारी हो गया तो परिणाम जारी होने के इतने दिनों तक इन विद्यार्थियों को लटकाया क्यों गया। इन सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक विभाग में, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के कार्यदायी अधिकारियों को तुरंत ही जवाब प्रेषित करने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, मेरे भाई बहनों, जितने भी कला के 2018 के हमारे भाई बहन हैं, मैं आप लोगों के लिए सदैव तत्पर होकर के निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसी अप्रैल माह के भीतर आप सभी लोगों की नियुक्तियां, नियुक्ति पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से हम आप सभी लोगों को प्राप्त करवाएंगे। बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया से मैं जितना ही दूर रहता हूं उतने बेहतर है, ठीक है ना। इन सारे मुद्दों को लेकर के सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि सदस्य रिटायर हो रहे हैं, चयन बोर्ड भंग होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदरणीय महेंद्रमणि त्रिपाठी जी जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, का कार्यकाल 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा था लेकिन उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ऐसे ही 3 सदस्य और थे जिनका कार्यकाल किसी का 1 अप्रैल को पूरा हो रहा था, किसी का 31 मार्च को पूरा हो रहा था। ऐसे 3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। मैं आप सभी लोगों को निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग नहीं होने जा रहा,
पहली चीज। दूसरी चीज, एलटी टीजीटी पीजीटी के लिए जो विज्ञापन आदि की प्रक्रिया है, उन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के जैसा कि अन्य छात्र संगठन भी प्रयासरत हैं, हम लोग भी प्रयासरत हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपको विज्ञापन 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में वो देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि समायोजन के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 142 जो चयनित विद्यार्थी थे उनकी भी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया वो एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया जाएगा। पदों की संख्या को लेकर के भी बहुत सारे जो है मतलब वहां पोह की स्थितियां बन रही हैं। कुछ लोग मतलब कल बता रहे थे कि 4500 पद हैं, 5000 पद हैं। इसमें तदर्थ शिक्षकों के पद शामिल नहीं है, और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अध्याचन प्राप्त हुए हैं वो अध्याचन अकेले ही अध्याचन 12000 पदों का है, 12000 पदों का अध्याचन है। तो इसमें तदर्थ शिक्षकों के जो पद सम्मिलित होंगे, आप लोग देख लीजिएगा जब विज्ञापन जारी होगा तो आप देख लीजिएगा कि एक बड़ा सा विज्ञापन आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग इससे परेशान बिल्कुल भी मत होइए। देखिए, सकारात्मकता हमेशा ही जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है। यदि आप नकारात्मक चीजों के पीछे अपने आप को खपाएंगे तो आपके लिए जो सकारात्मक चीजें हैं वो भी नकारात्मक हो जाएगी। इसलिए हमेशा ही आत्मबल को हमेशा ही मजबूत रखना चाहिए। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता है। देखिए, हमारी जो सूचना रहती है वो एकदम एग्जैक्ट, परफेक्ट और एक्यूरेट रहती है। कल की डेट में हमने आपको जानकारी दी थी कि एक बहुत बृहद बैठक हो रही है, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग की हो, चाहे वो माध्यमिक विभाग की हो, चाहे वो उच्च शिक्षा विभाग की हो, चाहे वो जो मतलब आपके लोक सेवा आयोग की हो। प्रेजेंटेशन आदि की हमने आपको जानकारी दी थी, उसके बाद यूट्यूब पे धूम धड़ाका शुरू हुआ, सबने जानकारियां देनी आरंभ कर दी, है ना। मैंने आपको जानकारी दे दी थी सबसे पहले ही। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि जो जानकारी मैं रखता हूं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे स्रोत हैं, उन स्रोतों के माध्यम से जो जानकारी है मैं आप सभी लोगों को प्रदान करता हूं, वो एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट और 100% सत्य होती है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो विवाद संबंधी प्रक्रिया थी, उम्मीद की जा रही है कि कला विद्यार्थियों की जो नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया है वो हफ्ते 10 दिन के भीतर इसमें कोई न कोई फैसला जरूर होगा। क्योंकि जिस भावना के साथ, जिस प्रेरणा के साथ, जिस आत्मीयता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आप लोगों की पीड़ा, कला विद्यार्थियों की पीड़ा को जो है उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी के सम्मुख आपकी पीड़ा को प्रस्तुत किया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन विद्यार्थियों का के कष्टों का निवारण वो हफ्ते 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन लगभग लगभग बनके तैयार हो चुका है। कल की बैठक में ही ये सारी चीजें डिक्लेयर हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आयोग ये जानना चाहता है कि कला विद्यार्थियों को मतलब हम, चूंकि उन्होंने कार्मिक विभाग और नियुक्ति विभाग को मुख्यमंत्री महोदय को प्रपोजल इसीलिए भेजा है क्योंकि उन्हीं के पास ये दोनों विभाग है ना। और जैसे ही वहां से मतलब कोई निर्णय होता है वैसे ही आपका तुरंत विज्ञापन आएगा, क्योंकि जो नियमावली में संशोधन आदि हुए हैं वो संशोधन 2018 से लागू किया जाएगा। यदि 2018 से लागू किया जाता है तो जाहिर सी बात है कई अन्य विषयों की भी चीजें वो सुलट जाएगी, उसमें संगीत के विद्यार्थी भी सम्मिलित हो जाएंगे, उसमें सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी भी सम्मिलित हो जाएंगे, उसमें हिंदी के विद्यार्थी भी सम्मिलित हो जाएंगे, हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के हमेशा से ही विवाद रहा है, इस मामले को जो है मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है इस बार। जिन भी विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन में संस्कृत लेकर के ग्रेजुएशन किया है वो विद्यार्थी इस बार हिंदी के विषय का एग्जाम दे सकते हैं। कक्षा 12 के इंटरमीडिएट में संस्कृत होने की अनिवार्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, चाहे वो टीजीटी के लिए हो और चाहे वो आपके एलटी ग्रेड के लिए हो।
बहुत अथक परिश्रम किया गया है सारी चीजों को लेकर के, अथक परिश्रम हुआ है तब जाकर के आप लोगों को सफलता प्राप्त हुई है। मैंने आप सभी लोगों के छोटे छोटे मुद्दों को, एक दो लोग भी अगर हमसे शिकायत करते थे किसी बात को लेकर के सर सहायता करिए, मैंने उन सारे मुद्दों को शासन तक पहुंचाया है और उसी का परिणाम है जो चीजें आप लोगों को अब मिलने चल रही है, दिखने चल रही है ना, वो सारी चीजें कभी हो नहीं सकती थी। आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना है एलटी और जीएससी के विज्ञापन के लिए। जैसे ही कला का मामला सुलटता है, जैसे ही कला के विषय के लिए कोई निर्णय होता है, नियमावली आदि को 2018 से लागू करना है या 2022 से लागू करना है, ये सारी चीजें कार्मिक विभाग और नियुक्ति विभाग को निर्णय करना है, जिसका दायित्व आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख है, उनके पास है। जैसे ही कोई निर्णय होगा तत्काल आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी इसीलिए उनका भी है कि मतलब एक साथ उनको 3-4 विज्ञापन जारी करने हैं, जिसमें आपका एपीओ का भी विज्ञापन है, जिसमें आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन है, साथ ही साथ आपके जो मतलब एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन है। कई बड़े ऐसे विज्ञापन हैं जो कि लोक सेवा आयोग इसी अप्रैल माह में ही जारी करेगा और आप लोगों को जून माह में ही पेपर देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता हो। चलिए बात कर लेते हैं आपका सुपरटेट को लेकर के। सुपरटेट के लिए आपके जो निगेटिव चीजें बताई जा रही, दिखाई जा रही है 6800 की कंप्लीट लिस्ट को लेकर के, ये 6800 की लिस्ट रद्द की जाएगी, इसको खारिज किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। जैसे ही ये मैटर वहां से खारिज होता है, जैसे ही गवर्नमेंट अपना जवाब दाखिल करती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 69,000 से अधिक पदों का आप जो है मतलब नियुक्ति नहीं दे सकते, जैसे ही मैटर उधर से खारिज होता है, मैंने आपको बताया था कल ही कि आपका यूपीटेट का रिजल्ट वो जो है 10-11 तारीख तक आएगा, और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और स्वयं मंत्री महोदय के बयान से। मैं कोई भी सूचना आप सभी लोगों को असत्य नहीं देता हूं, हमेशा से ही आप लोगों को मोटिवेट करने का, हमेशा से ही आप लोगों के हित के लिए कार्य करने का, पूरी ईमानदारी, पूरी तत्परता, पूरी शिद्दत के साथ मैं हमेशा ही आप लोगों के हित के लिए लगा रहता हूं। चलिए बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के परीक्षा विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल में आपको लगभग 27,000 पदों का जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, वह विज्ञापन 15 से 20 तारीख के बीच में जारी होगा, क्योंकि कार्यदायी संस्था कौन सी संस्था एग्जाम कराएगी, कौन सी संस्था बुकलेट जांचेगी, इन सारी चीजों का जो टेंडर प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है, और इन टेंडर प्रक्रिया में जो संस्थाओं ने अप्लाई किया है उनका चयन बहुत जल्दी ही कर लिया जाएगा। बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने हो हल्ला किया है एससीईआरटी में और पीएनपी में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हो हल्ला मत करिए किसी भी तरीके से। आपकी जो ये पेंडिंग प्रक्रिया है वह 12 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, निराश मत होइए बिल्कुल, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का एकमात्र उद्देश्य है छात्र हित, वो कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी कीमत पे हम उसके लिए सदैव तत्पर है, तैयार है, इसलिए हम आपके साथ हैं, आपकी समस्याओं के निदान के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आप उसका सदुपयोग करें, लाभ उठाएं। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को, अपनी मोटिवेशन को, अपने डेडिकेशन को, अपनी ईमानदारी को एकत्र कर लीजिए। एकता में बहुत शक्ति होती है, द पावर ऑफ यूनिटी, आपने बचपन में पढ़ा होगा कबूतरों की कहानी, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कुछ न कुछ जो है मतलब आपको बेहतर तरीके से देखने के लिए मिलेगा। आज भी लोक सेवा आयोग में बैठक है, आज भी मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख
माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री गुलाबो देवी अपना प्रेजेंटेशन देंगी। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित होंगे जो क्लास टू रैंक के अफसर हैं। चूंकि कल के प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री महोदय तो सम्मिलित नहीं थे, लेकिन आज वर्चुअल उनके सम्मुख जो है वो ये प्रेजेंटेशन होगा और तत्काल ही वो जो है मतलब ये सारी चीजों को सुनकर के वो तुरंत मंजूरी देंगे, क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक उन्हीं के पास है और आप लोगों की जो कला के विद्यार्थी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया और जो नए विज्ञापन है उनकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 100 दिन की कार्य योजना में वो पद शामिल किए गए थे जो पद जो है पहले से ही पेंडिंग में, जिनके रिजल्ट बाकी है, जिनके एग्जाम बाकी है, जिनका विज्ञापन हो चुका है, उसकी परीक्षाएं नहीं हुई है, जिनका रिजल्ट आ गया उनको नियुक्ति नहीं मिली, समायोजन आदि के मुद्दे को लेकर के 100 दिन के अंदर जो 10,000 की बात हुई थी वो कार्ययोजना उसी चीज को लेकर के है। इसलिए आप लोगों को निराश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव चीजें आप लोगों की जिंदगी में स्टार्ट होने वाली है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों को बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। हमेशा से ही छात्र हित के लिए, छात्र के विश्वास के लिए, आप सभी लोगों के आशीर्वाद के लिए कार्य करता रहे, आगे भी कार्य करते रहेंगे हम। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को प्रणाम।